पृथ्वी में डायनासोर का प्रभाव कितने सालों तक रहा है और कितने साल पहले डायनासोर इस धरती से गायब हुए थे और डायनासोर की जीवन शैली, इस वीडियो में हम बात करेंगे। डायनासोर सिर्फ जमीनों पर नहीं बल्कि डायनासोर का प्रभाव पूरा विश्व में और पानी के अंदर भी उनका प्रभाव चलता था। ये बेहद ही भयंकर जानवर हुआ करता था। ये करीबन 5000 करोड़ साल पहले इस धरती पे आए थे और करीब 16 करोड़ साल पहले ये धरती से गायब हो गए थे। मगर डायनासोर की कुछ प्रजातियां आज भी इस धरती पे जीवित हैं। डायनासोर सिर्फ धरती और पानी के नीचे ही नहीं बल्कि आसमानों पे भी उड़ा करते थे। उनका प्रभाव इस पृथ्वी में सारे जगह पे हुआ करता था। डायनासोर सिर्फ नॉनवेज नहीं खाते थे बल्कि वे कुछ जानवर शाकाहारी भी हुआ करता था। ये जानवर इतने खुखार और खतरनाक होते थे, जब इनका भूख लगता था तब वो अपने ही सदस्य को खा जाते थे। जहाँ से अधिक बच्चों को वो खाने में माहिर होते थे, क्योंकि बड़े जानवर के साथ लड़ाई करना पड़ता था। डायनासोर इतने खुखार जानवर होते थे कि वे छोटे छोटे जानवरों को मार देते थे, चाहे इनके भूख लगे या नहीं लगे। वो इतना खुखार जानवर होते थे कि वे अपने से कहीं बड़े जानवरों को भी मारने में सक्षम होते थे। इनमें कुछ डायनासोर्स ऐसे भी होते थे जो सिर्फ जमीन पे ही नहीं पानी में भी तैरने में सक्षम थे। वे शिकार जमीन में भी करते थे और पानी में भी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज से करीबन 16 करोड़ साल पहले एस्ट्रोनॉट गिरने से इन जानवरों का अंत हो गया था, मगर इनमें से कुछ जानवर आज भी जीवित है जो इनका वंशज माने जाते हैं। इनमें से क्रोकोडाइल को इनका वंशज माना जाता है। ये जानवर करीबन 50 फीट तक ऊंचा और 80 फीट तक लंबा हो जाता था। डायनासोर का पैर अपने शरीर के निचले भाग में होने के कारण इतना वजनशाली होने के बावजूद भी वो आराम से चलने में सक्षम होते थे। समुद्र के गहीर में रहने वाला कुछ डायनासोर ऐसे होते हैं जो ओक भी पानी के ऊपर ही नहीं आते थे, और कुछ डायनासोर ऐसे होते थे जो पानी से बिल्कुल ही दूर रहते थे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।